यह कोई नई बात नहीं कि बिहार की जब भी बात होती है तो सबसे पहली बात सुशासन बाबू की आती है और सत्ताधारी नेता यह बखान करते नहीं थकते कि बिहार में सुशासन की सरकार है या यूं कहें कि बिहार में बाहर है। लेकिन इस बार लॉकडाउन में जब प्रवासी मजदूरों को लेकर बवाल खड़ा हुआ तो मजदूरों की ट्रेन से वापसी पर टिकट पर खड़े इस बवाल को लेकर सीएम नीतीश कुमार बैकफुट पर खड़े हो गए। उन्होंने आनंद फानंद में जारी अपने बयान में कहा है कि मजदूरों का रेल का किराया नहीं देना होगा, सारा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। जब बात छिपी हुई नहीं है कि बिहार में चाहे आपको जो मिल जाए, रोजगार के नाम पर आपको सिर्फ आश्वासन मिलता है। इसका जीता जागता उदाहरण प्रवासी मजदूर है। लॉकडाउन लगे रहने के बाद जब इन मजदूरों के पेट पर आफत आ पड़ी तो इन मजदूरों को वापस बुलाने की कवायद शुरू हो गई। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को लेटर लिखना शुरू हो गया, पक्ष और विपक्ष की बयानबाजी भी शुरू हो गई और तमाम क्रियाकलापों के बाद सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने अपने राज्य के मजदूरों को वापस बुलाने के लिए हामी भर दी। लेकिन यहीं से असल ड्रामा शुरू हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने बयान में कहा कि सभी के सभी मजदूरों का लाने के लिए परिचालन तो चालू हो गया है, लेकिन आने के लिए उन्हें अपना खर्चा स्वयं उठाना पड़ेगा। जिसके बाद एक बार फिर बिहार में राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर चली गई। पप्पू यादव से लेकर तेजस्वी यादव सभी अपने अपने स्तर से सरकार की आलोचनाएं कर रहे थे और दबाव बना रहे थे कि सारा खर्चा राज्य सरकार उठाए या फिर हमसे मदद मांग ली जाए। पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा कि 50 बसों से मैं बाहर से बच्चों को लेकर आने को तैयार हूँ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो मैं 50 ट्रेनों का किराया देने को तैयार हूँ। और आखिरकार सुशासन बाबू की सरकार को बैकफुट पर जाकर यह निर्णय लेना पड़ा कि सारे के सारे खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सुनिए सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने इस संदर्भ में क्या कहा। सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग, वहाँ चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। और एक बात और भी हम बता देना चाहते हैं कि इसके बारे में हम लोगों ने जानबूझ करके कोई पहले से घोषणा नहीं की, क्योंकि हम लोगों का विश्वास, हमारी सरकार का विश्वास काम करने में। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ तो एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना, राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी हैं, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ उनके लिए जिस स्टेशन पर रेल गाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा, यहाँ थोड़ी जांच करके, और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया, वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है। और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा, वो और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर पे सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का, और जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हम लोगों ने इंतजाम किया है, हमने निर्देश दिया है और इंतजाम किया, उसी हिसाब से वहाँ पर लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए सबका प्रबंध किया गया। या तो हो गया सत्ता का बयान, लेकिन इस मामले में
राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी अपना बयान साझा करते और सरकार पर तीखे प्रहार करते नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तेजस्वी यादव जी ने आज सुबह 50 ट्रेन का किराया देने की बात जब कही और बिहार सरकार से कहा कि हम 50 ट्रेन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से देते हैं उसका किराया, आप परेशान जो गरीब मजदूर छात्र हैं उनसे भाड़ा मत लीजिए, इसके बाद अपना फजीहत देख करके शर्मिंदगी जब सरकार को महसूस हुई बिहार सरकार को, तब सरकार ने आनन फानन में यह निर्णय लिया कि हम गरीब मजदूरों से छात्रों से पैसा किराया नहीं लेंगे और 500 रुपया उनको देंगे। देर से ही सही तेजस्वी यादव जी के दबाव के कारण सरकार को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भी जब ट्रेन चलाई गई थी तो तेजस्वी यादव जी ने जब 2000 बस देने की बात सरकार को कही तो फिर उस समय भी सरकार अपनी फजीहत से बचने के लिए ट्रेन चलाने की व्यवस्था की गई थी। सरकार ने इस आपदा की घड़ी में संकट काल में परेशान हमारे बिहार के लोग मजदूर छात्र गरीबों के साथ जिस तरह का असंवेदनशील रवैया अपनाया, ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। ये सरकार केंद्र की और बिहार की डबल इंजन की सरकार गरीब विरोधी है, ये उजागर हो चुका है। तो यह तो हो गई नेताओं की बात, लेकिन देर से ही सही मजदूरों को अपने घर अपने बिहार आने की अनुमति मिली और राहत की खबर उनके लिए भी है जिनके पास वापस आने तक का किराया तक नहीं था। गोविंद राज के साथ संजय कुमार, पटना से एक्सप्रेस न्यूज के लिए।